गाइस देख सकते हैं इस तरह से नींबू, चिड़ूंगा पाडूंगा काठिया। अगर तू इतना लेजी होता कैमरामैन तो मैं तुझे नहीं बुलाता। देख सकते हैं इतना क्यूट है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन आगामनोपी ब्लॉग्स में आप सबको फिर से स्वागत करता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं आज फिर आया हूँ, खेती खत्म हो गया, अभी दायरे ये जंगल सफा करना पड़ेगा क्योंकि हमें ऑरेंज है। तो आप सबको मैं दिखा देता हूँ। तो गाइस माँ इस तरह सफा कर रहा है अभी, तो ये जितना भी ये ऑरेंज है पूरा ये सब जंगल जंगल हो गया। हम लोग का यहाँ में ऐसे होता है, जब हम लोग ये धान खेती खत्म हो जाता है तो उसके बाद फिर ये सब नींबू ये सब पूरा सफा करना पड़ता है। तो गाइस अभी ऑलमोस्ट थोड़ा आधा खा चुका है, धूप भी बहुत गर्म हो रहा है। अभी हम लोग ऑरेंज बागान है, गार्डन है, तो इस तरह खाता जाता है हम लोग। तो गाइस अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं हम लोग, बहुत ज्यादा गर्म है, पूरा धमरा हो गया, इतना धूप निकल रहा है। और मैं एक्चुअली बताना चाहता हूँ कि आप सबको क्यों मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा है ना। हम ऐसे एक्चुअली बस्ती में है और बस्ती में हमें नेटवर्क नहीं है बिल्कुल, उसका कारण से हम वीडियो नहीं बना पा रहे। अगर नेटवर्क आता तो एडिटिंग करके हमें अपलोड करना था। गाइस बोर मत हो, अभी ऐसे ही समय है, खेती वेती सीजन खत्म होने के बाद डायरेक्ट हम लोग ये ऑरेंज बागान नींबू बागान ये सब में काम करते हैं। ठीक है गाइस अभी थोड़ा सा रेस्ट करें उसका फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें आया हुआ हूँ अभी हम लोग ये नींबू तोड़ने के लिए, देखिए ये प्रेस ये प्योर ऑर्गेनिक है और वहाँ पे भी उगा है बहुत ज़्यादा है। तो फिलहाल मैं दो तो तोड़ूँगा। हाँ गाइस अब इसको ठीक से बना के खाएगा, बढ़िया से चिल्ली पाउडर डाल के। हम लोग इसको कोल पत्ता बोलते हैं, हम लोग इसको कोपाक बोलते हैं, कोपाक का अन्ना। तो अभी हम लोग इसको काट लिया है नींबू के लिए। अन्ना का जो नींबू डाय तो गाइस इस तरह से बिछा दिया और आपको मैं बता रहा हूँ ये नींबू नहीं खाने से पहले हम लोग अपना दाऊ को लोकल दाऊ को इस तरह क्लीन करता है कि ताकि यहाँ का गंदा नहीं आ पाए। तो गाइस देख सकते हैं ये नींबू प्योर ऑर्गेनिक, देखिए उपाय नहीं है। ओह माय गॉड Oh my God, guys! एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसका जूस। और ये पूरा किंग चिल्ली को सुखा के पीछा गया है और नमक भी डाला है साथ में। Oh my God, यार! तो गाइस देख सकते हैं इस तरह से नींबू, तो गाइस इस तरह से हम नींबू को पूरा चील दिया है तो उसके ऊपर में अभी चिल्ली डाल रहे हैं। तो गाइस इस तरह से बनाया नींबू को, परफेक्ट, वाह। वाह बहुत बढ़िया। तो गाइस अभी हम लोग लंच कर रहे हैं, ये मैगी है और मैगी का साथ गाम मोइंग।
घमाइन ये मम्मी है दरभंगा ने, ये भी खाना खाएगा अभी। तो गाइस अभी फाइनली हम लोग लॉन्च कर लिया है, तो अभी बहुत गर्म है तो थोड़ा सा रेस्ट करेगा। उसके बाद उससे पहले हम लोग पानी लेने जा रहे हैं। पानी लेने का जगह भी हम लोग का, ये पुराना खेती है हम लोग का। हम लोग बचपन में यहाँ में बहुत खेती करता था, अभी ये पुराना हो गया। तो हम लोग पानी लेगा, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके फिर काम स्टार्ट करेगा। गाइस हम लोग जहाँ से पानी लेते हैं ना, वो भी बहुत दूर है नीचे में। कैमरामैन ज्यादा धूप का कारण से नहीं आ सक रहा है। कैमरामैन कैमरामैन को पोलियो हो गया थोड़ा। कैमरामैन कैमरामैन को पोलियो हो गया क्या? हो गया है क्या? चिड़ूंगा पाटूंगा खाती है। अगर तू इतना लेजी होता कैमरामैन तो मैं तुझे नहीं बुलाता, काट काट के कर दूंगा कैमरामैन। भाई अभी स्टार्ट करने जा रहे फिर से काम। वाह गर्म आदम में गर्मी आदम हो रहा है पूरा। हम सुपरमैन बन गया। तो लेट्स गो गाइस, अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं फिर से और ये बन जाओ सुपरमैन। तो चलो आज ओजी का आवाज में काम करते हैं भैया, आज खत्म करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कुछ मौसम इस तरह है आज का, बहुत गर्म है। अभी जस्ट थोड़ा सा हवा मार रहा है ना, तो थोड़ा रेस्ट कर रहे फिर से। तो गाइस आज का कैमरामैन हेल्प कर रहा है दो से। ये कैमरामैन गाइस ऑरेंज लुक ऐसा बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। ये 3 साल हो गया हम डालता इसको, ये भी बहुत बड़ा हो गया, बहुत लंबा हो गया, हमसे ज्यादा लंबा हो गया। तो गाइस अभी फाइनली हम लोग खेती ऑलमोस्ट 80% खत्म हो गया। तो अभी हम सोच रहे कि मतलब नींबू यहाँ में, ये हम लोग का नींबू गार्डन है आगे में भी है, तो हम सोच रहे कि चलो थोड़ा नींबू तोड़ के सेल करने से ठीक होगा। क्योंकि अभी हम कलेक्शन कर रहे हैं ना मेरा GoPro के लिए, मेरा GoPro लास्ट टाइम भी आप सबको बताया था खराब हो गया। और हम उसी बीच आप देख सकते हैं ये एक चिड़िया का बच्चा नेस। गाइस देख सकते हैं इतना क्यूट है, हिल रहे थे। और इसको हम लोग यहीं पे रख देगा नेचर को ब्यूटीफुल होने के लिए। तो अभी गाइस हम लोग नींबू तोड़ेगा। तो गाइस हम लोग का नींबू देखो इतना भरा होता है,
पूरा ऑर्गेनिक है, इसको मार्केट में सेल करेगा। अभी गर्म दिन में बहुत जरूरी है, हर कोई नींबू जूस बना के पीने दिल होते है। देखिए, और एक बात बताना चाहता हूँ, नींबू तोड़ने के लिए बहुत तकलीफ होता है ना, क्योंकि ये कांटा जितना है ना पूरा बदन में घुपता है। अभी पूरा तार्जन जैसे तोड़ना पड़ेगा, पूरा अंदर अंदर में। गाइस हमें बहुत ज्यादा मिला है। गाइस देखिए, इसका कलर ऐसे होने से भी अंदर में बहुत हुआ है, पूरा झूल बढ़ती है नींबू का रस। गाइस इतना अंदर से देखो, पूरा अंदर जाने नहीं सक रहे, ऑलमोस्ट इतना बेक तोड़ लिया। तो गाइस हम लोग जितना आज कटा है ना, ऑलमोस्ट 80% हो गया, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट दिन में वापस काम करेगा। तो हम लोग इतना नींबू तोड़ रहा है, इसको मार्केट में सेलिंग करेगा, और मिलते हैं आप सबको। और आप सबका जितना प्यार है हमको, थैंक यू सो मच। और मम्मी भी हमको चिल्ला रहा है, काम करा में बोलते हैं। तो बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आने वाला है गाइस, बाय। तो गाइस अभी थोड़ा सा रेत, तो गाइस अभी फाइनली हम लोग का खेती खत्म हो गया। ओ या,